भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने अपने LPG ग्राहकों के लिए तैयार किया नया प्लेटफॉर्म, इसके जरिए दी जाएगी ग्राहकों को सब्सिडी। दिवाली से पहले 6 करोड़ से अधिक लोगों के खाते में आएंगे पैसे, EPFO जारी कर सकता है ब्याज की रकम। 30 सितंबर है ITR भरने की आखिरी तारीख, सही फॉर्म का करें चुनाव वरना होगा नुकसान। लोन लेने से लेकर बीमा कराना अब और आसान, RBI ने शुरू की सुविधा। चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। निजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने अपने LPG ग्राहकों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए LPG ग्राहकों को सब्सिडी दी जाएगी। कोई भी BPCL को टेक ओवर करेगा उसे सरकार की LPG योजना चलानी होगी, सरकार सब्सिडी का बोझ वहन करेगी। अधिकारी ने आगे बताया कि सब्सिडी की प्रक्रिया को अलग रखना होगा, इसके लिए BPCL द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसी प्लेटफॉर्म पर सब्सिडी की योजना चलेगी। आपको बता दें कि सरकार LPG सिलेंडर पर सब्सिडी देती है, ये सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में दी जाती है। सरकार BPCL में अपनी पूरी 52.98% की हिस्सेदारी बेच रही है। इसके लिए 3 लेटर ऑफ इंटरेस्ट मिले हैं, इसमें 1 लेटर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाले वेदांता समूह का है। वेदांता समूह के अलावा 2 अमेरिकी फंड अपोलो ग्लोबल और I² कैपिटल ने भी BPCL में दिलचस्पी दिखाई है। त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अपने 6 करोड़ शेयर होल्डर सदस्यों को खुश होने का मौका देने वाला है। दरअसल EPFO दिवाली से पहले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स के खाते में जमा करने की तैयारी में है। सरकार के 2 शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत मिल जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि EPFO के केंद्रीय बोर्ड ने इंटरेस्ट को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और रिटायरमेंट फंड मैनेजर ने वित्त मंत्रालय की मंजूरी मांगी है, जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि वित्त मंत्रालय की मंजूरी सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला है, EPFO इसकी मंजूरी के बिना ब्याज दर को क्रेडिट नहीं कर सकता है। बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 8.5% भुगतान की सिफारिश की थी। जब ब्याज के बारे में निर्णय किए गए तो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया। आयकर विभाग में 2020-21 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए 7 तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं। ऐसे में आपको अपनी इनकम के आधार पर सावधानी से अपना ITR फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई है तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। टैक्सपेयर्स के लिए ये जरूरी है कि वो रिटर्न भरने के लिए सही ITR फॉर्म चुने और उसमें सारी जरूरी जानकारियां दें। अगर आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, कारोबार पेशा या इंटरेस्ट जैसे दूसरे सोर्स से कमाई होती है तो रिटर्न भरते समय इनकी भी पूरी जानकारी दें। सभी बैंक खातों का भी खुलासा करें। इसके तहत IFS कोड, बैंक का नाम और खाता नंबर की जानकारी देनी होगी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अपडेटेड बैंक खाते में ही रिफंड आता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार से अकाउंट एग्रीगेटर यानी कि सहमति प्लेटफॉर्म सेवा को शुरू कर दिया है। इस सर्विस की शुरुआत होने से कस्टमर्स को लोन लेने, बीमा कराने या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बार बार KYC कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अब आपके लिए बैंकिंग प्रक्रिया और सरल हो गई है। सरल शब्दों में कहें तो खाता एग्रीगेटर आपके सभी वित्तीय ब्यूरो को एक जगह से जुटा लेने का कॉमन प्लेटफॉर्म है। इस सर्विस के फायदे को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं या बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए आवेदन जमा करना चाहते हैं। लोन देने या पॉलिसी जारी करने से पहले बैंक या बीमा कंपनी वित्तीय जानकारी देने को कहते हैं। इसमें बैंक का डेटा, वेतन की जानकारी, दावे का रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। आज अलग अलग सोर्सेस से आप ये जानकारी फिजिकली जुटाते हैं। खाता एग्रीगेटर सहमति में लॉगिन करते ही सभी जानकारी एक जगह से ली जा सकेगी। आपकी सारी जानकारी पहले से यहां मौजूद होगी। इस तरह पूरी प्रक्रिया कम समय में और आसानी से पूरी हो जाएगी। इसमें डेटा चोरी की संभावना बहुत कम होगी कि खाता एग्रीगेटर से आपकी सहमति के बिना कोई डेटा नहीं ले पाएगा। ये थी अब तक की बिजनेस से जुड़ी बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए कमेंट करना ना भूलें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।